शिमारू मूवीज से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। जेंटलमैन, फासन योर सीट बेल्ट, दिल थाम कर बैठिए। इस शानदार महफिल में अब वो सुरीली आवाज जिसने अपनी जादू भरी मधुरता से लाखों करोड़ों दिल जीत लिए हैं, जिसे सुनने के लिए आप बेताब हैं, वही आवाज, वही लाजवाब आवाज लेकर आ रहा है देश का महान कलाकार, देश का सबसे बड़ा गायक सुबीर कुमार। धरती पर और कभी अंबर में उसको ढूंढा, हर नगर में हर डगर में गली गली देख
रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं, वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं, फिर वही दीपक तू मैं बुझाए रे, मीत ना मिला रे मन का मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले, प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले, लाख तराने रहा मैं सुना रे, मीत ना मिला रे मन का मीत ना, ए मीत ना। हाँ हाँ बाबा पहचाना, ओहो नाम भी बताना पड़ेगा, आसमान का एक मशहूर सितारा चित्रा। कुछ नहीं बैठा हूँ। अरे इतनी शराफत भी नहीं तुम में कि एक लेडी को देख के खड़े हो जाओ। ए, देख कर रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा ये बता आज का गाना कैसा हुआ? गाना बहुत अच्छा, सैड सॉन्ग था, विरह गीत। विरह, वही तो जिंदगी का असली सुर है। अच्छा तो तुमको विरह गीत अच्छे लगते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस विरह का कारण कौन है? उसका नाम तो मैंने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रख दिया है। अच्छा आज और क्या क्या किया तुमने? आज एक 4 साल के कुत्ते और एक 60 साल के बूढ़े पर मेहरबानी की, उन्हें मोटर के नीचे नहीं आने दिया। फिर एक फिल्म के सिल्वर जुबली फंक्शन में गया। फिर उसके बाद एक फोटोग्राफर को गाली दी। गाली दी? साले ने एकदम आग पे आके फ्लैश मार दिया। लैंग्वेज सुबीर, लैंग्वेज। ओके ओके सॉरी सॉरी। सुबीर अभी तुम सो जाओ, लेकिन कल जरूर मिलना। ओके गुड नाइट। ये कल इनकम टैक्स में सबमिट करना है, जरा एक साइन कर दे। ये चित्रा से इतनी क्या बातें हो रही थी? थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू किया जाए, इस पे डिस्कशन हो रही है। हाँ साले तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं बाबा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो जी में आए कीजिए, समझे ना, जो जी में आए कीजिए। तू चित्रा से इतना चलता क्यों? आफ्टर ऑल शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अच्छी दोस्त है मेरी। दोस्त? जी हाँ। मर्द और औरत में कैसी दोस्ती? ये तो वही हुआ जैसे कि छुरी और तरबूज में, या बाज और कबूतर में, है ना? जी हाँ, मगर यहाँ फर्क इतना ही है कि बाज चित्र है और आप हैं कबूतर। चुप है, चुप है। नहीं सुधीर, मेरी एक ही तमन्ना है कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंगर बने, लेकिन इसके लिए साधना, तपस्या और डिसिप्लिन की जरूरत है। मैं देख रहा हूं तू धीरे धीरे चित्रा की तरफ खींचता ही चला जा रहा है, और वो हरगिज तेरे मतलब की नहीं। तू कहना क्या चाहता? देख जब तू उससे शादी कर ही नहीं सकता तो आगे बढ़ने से फायदा? मैं तो समझता हूं कि आगे बढ़ना ठीक नहीं। और तुझे खुद ही तो कहा था कि तेरा बीवी के बारे में आदर्श तेरी माँ और तेरी मौसी है, जो तेरी देखभाल कर सके, जो तेरी सेवा कर सके। देख बच्चू, ये आजाद और अमीर लड़की तुझे ऐसा नचाएगी कि तुझे नानी याद आ जाएगी। अरे तू रोने की बात पे हंस रहा? हंस हंस बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू हंसने की बात पे रोएगा। इधर। अरे गुड नाइट चंद्रू। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे बाप। गुड नाइट बेटा।
हेलो सुनिए क्या मैं सुबीर कुमार से बात कर सकती हूँ? रॉन्ग नंबर। हेलो कौन चाहिए? आप कौन? आप सुबीर कुमार। देखिए मैं सुबीर कुमार नहीं, मेरा नाम विष्णु है। हटाइए ना ये आवाज, लाखों में एक, किसी शिव महेश विष्णु की नहीं हो सकती। इस वक्त आधी रात क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मिले तो बताऊं, आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। मैं आपको हरिदास सम्मेलन में मिली थी, मेरा नाम राधा है। राधा? वाह बड़ा क्लासिकल नाम है, मगर आप चाहती क्या है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ सुबीर। मगर क्यों, किस लिए? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जाने मन, जैसे तुम्हें सुना है। जहन्नुम में जाइए। चंद्रू, ए कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सो रहा था। आज ही रात को बिस्तर पर पड़े पड़े क्या मछलियां पकड़ूंगा? नींद नहीं आ रही है ना? हाँ होता ऐसा, होता नाम वाम हो जाता है ना तो ऐसा ही होता। जा यार सो जा। Good night. ये अपना नया बंगला कब तैयार होगा? ये कोई 2-3 महीने में। यही ठीक है, इतना बड़ा बंगला लेकर क्या करेंगे? तो एक काम कर, जैसे ही बंगला तैयार होना उसे बेच डाल। क्यों रे, आखिर बात क्या है? आज फिर कुछ तू लोनली, दुखी और डिप्रेस नजर आ रहा। ऐसा तो होगा भाई, जरूर होगा। क्यों? भगवान है ना भगवान, ऊपर वाला बड़ा ही मजाकिया है, सब बैलेंस कर देते। अपने सेक्रेटरी से पूछा एक दिन, सेक्रेटरी फला आदमी को क्या दिया? सेक्रेटरी बोला, प्रभु 6-7 लाख रुपए दिए। अच्छा ऐसा करो, साथ में गैस्ट्रिक अल्सर और पेट में एक फोड़ा भी दे दो ताकि कुछ खा भी नहीं सके। उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी दूसरे आदमी को क्या दिया? तो बोला, प्रभु कुछ जमींदारी और एक कपड़े की मिल। इसको ऐसा आदमी दो, ऐसा मैनेजर जो साला चोर है और सेठ जी को रेस खेलने की आदत डाल। बोले, सेक्रेटरी सुबीर कुमार को क्या दिया? सुबीर कुमार को क्या दिया? थोड़ा बहुत नाम, पैसे। कितने पैसे दिए? नहीं 2-2.5 लाख रुपए। और वो 1 लाख ब्लैक जो है? अच्छा तो एक काम कर, फिलहाल इसकी नींद छीन, बाद में देखा जाए। बैलेंस वाली बात अच्छी कही तुम। अच्छी कही ना, तो पूछिए मेहरबानी करके सो जाइए। फिर वही बात, कहाँ साले नींद नहीं आ रही, वो स्लीपिंग पिल्स चीजें कहाँ छुपा रखी? ला दे। 4-5 पार्टियों में गए है? और 5 पैक शराब पी, अब स्लीपिंग पिल्स खाओ और हमेशा के लिए सो जाओ ताकि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो इससे अच्छा तो एक काम करो, एक खूबसूरत सी अच्छी लड़की देखकर शादी कर।
जब नींद नहीं आए तो आधी रात को बीवी को जगाकर एक रुपया पॉइंट से रनिंग खेल लेना। हेलो, मैं सुबीर से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, फरमाइए। हे, कब से बैठे हो? काफी देर से, और अपनी ही आंखों से अपनी बेइज्जती होते देख रहा था। What do you mean? मेरा गाना चल रहा था और मेम साहब सो रहे। जी नहीं, आपके इस आसमानी संगीत को रूह के अंदर उतार रही थी हुजूर। हाँ जी। जब कोई औरत आंखें बंद करके पड़ी हो तो ये समझने की भूल कभी नहीं करना कि वो सो रही है। अच्छा? जी हाँ, she is most active when inactive, समझे? मगर इस वक्त तुम यहाँ? अरे मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे हेलो करता जाऊँ। गाने की रिकॉर्डिंग है आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद? डैडी कहाँ है आजकल? वो बिजी आदमी, आज जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कल बॉन में। जी मैम। तो परसों जा विस्की ला। अरे सुन, ठंडे पानी में लाना, सोडे की जरूरत नहीं। चित्रा चित्रा, कहाँ ना रिकॉर्डिंग है अभी। तो क्या हुआ, सुर और भी नशीले हो जाएंगे। वो तो ठीक है चित्रा, लेकिन वो जो है ना मेरा बाप। कौन, चंद्रू? हाँ, उसे अगर पता चल गया कि विस्की पी के मैं गाना गाने आया हूँ तो बात। हाँ जी, हाँ चंद्रू बोल रहा हूँ। ना ना ना, इम्पॉसिबल। नहीं नहीं, इस महीने कोई डेट नहीं जी। हाँ कल खाली है, लेकिन मेरा गला खराब है साहब, इसीलिए डेट कैंसिल कर दी। हाँ फिर कभी कैंसिल होगी तो आपको बताऊं। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। सुनिए रविता भाई, मुझके देखिए बड़ी उम्मीद लेकर आए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जी। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए ना, कितने अच्छे काम चैरिटी के लिए। साहब मैं समझता हूँ साहब, बस भाषा में इसे कहते हैं चमचा। आई रहा सर, आई आई बैठी बैठी बैठी। बात कह रहा हूँ साहब, सबके सामने बैग खोलना ठीक नहीं। अजी पता नहीं कौन इनकम टैक्स का आदमी हो। आपको मालूम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म सेक्शन के पीछे 6-6 इंस्पेक्टर छोड़ रखे हैं। अच्छा, ये आपका 2000 का चेक। अच्छा, और ये नंबर 2 के। थैंक यू। चंद्रू जी। हाँ जी, हमारी डेट तो नक्की है ना? अजी एकदम नक्की, पैसे दिए हैं, कैंसिल होने का चांस ही नहीं, एकदम पक्की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई आई थैंक यू। फोटो साइन कर रहा यार, पूरी की पूरी कर देना, वो बहुत फैन मेल जमा हो गया। ले भाई ये 6000 मिस्टर राव ने दिए हैं, गिन ले। दांत तोड़ दूंगा तेरे। क्यों भाई, लगते नहीं है क्या? मुझे नहीं लगते क्या, जब तू गिनने की बात करता है। नहीं नहीं, मैं इसलिए थोड़ी कह रहा था यार भाई, रुपए पैसे का मामला है, गिन लेना चाहिए। मैं नहीं गिनूंगा, ये लेन देन हिसाब किताब ये सब तेरी बकबक। ओके बाबा। अरे सुन, ये पैसे तो ही रख ले। मैं क्यों? मैं क्यों क्या, ऐसा कर लेना। ए मिस्टर, आज तो ये बात कही है फिर मत कहना, मैं इधर प्यार की मजदूरी करता हूँ, तुझे कोई ऐतराज है तो बोल। कभी कभी जी चाहता है तुझे मार के भूसा भर के यहाँ कोने में खड़ा कर दूँ। बैंगलोर से एक पार्टी आई है, उसे भगाना है। सॉरी, मैंने सारी डेट देख ली। जाओ चलो। देखिए चंद्र जी, आप जितने रुपए कहिए हम देने के लिए तैयार है। अरे जो भी साहब, अच्छी सुधीर कुमार कोई फिल्म कही हो है जो रुपये का मुंह देखकर कोई भी पिक्चर साइन कर लेते? अरे जनाब, इंडिया टॉप सिंगर, टॉप सिंगर। लेकिन आप मेहरबानी करके ये चिट्ठी उन तक पहुंचा दीजिए। किसकी चिट्ठी? उन्हीं की है।
इसके बाद वो जो कुछ कहेंगे हमें मंजूर है। प्लीज। अच्छा सर, बेंगलोर वाला चिट्ठी लाया किसी की? किसकी चिट्ठी? पता नहीं, बट चिरंजीवी बीरू। किसने लिखी? श्वास श्वास में तेरी मंगल कामना करने वाली दुर्गा मौसी। दुर्गा मौसी? तेरी मौसी? हाँ, रिश्ते की मौसी है लेकिन है माँ से भी बड़ी। जब मैं एक बरस का था और माँ बाप चल बसे थे, दुर्गा मौसी ने मेरी देखभाल की। उन्हें सिफारिश की है। अच्छा, तब तो जाना पड़ेगा भाई। लेकिन कैसे जाऊँ चंद्रू, इतना टाइट प्रोग्राम है। अरे प्रोग्राम को मार गोली यार, सब कैंसिल कर दूंगा। लेकिन भाई महीने भर से डेट्स दे रखी, उनका क्या होगा? डेट्स की ऐसी की तैसी, जूते तो मुझ पे पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चल चल चल, मिल ले मिल। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कहा कि मौसी जी ने भेजा? ये तो हमारा ट्रम्प कार्ड था। अच्छा, एक शर्त मेरी भी है। कहिए। मौसी जी से मिलने में जरूर जाऊंगा। आप जरूर जाइए, मैं कार तैयार रखूंगा। तुम खाना खा के आ जाओ। दुर्गा मौसी कहाँ है? जी, ऊपर। क्या हो रहा है? नजरें तो भर लेने दे। भर भी गए, छलक भी गए। ये आंसू बहाने में जो सुख है बिरू, अभी समझने की उम्र नहीं है तेरी। मैं तो सोचती थी कि तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो मौसी, अभी तो तुम्हें मेरी शादी देखनी है। मतलब और 100 साल जीना पड़ेगा। बड़ी भूख लगी है मौसी, ये बताओ रात को क्या खिला रही? क्या खिलाऊंगी? बैंगन का भुर्ता। वंडरफुल। कमल काकड़ी के बड़े। और बेसन की रोटी, ये मोटी मोटी। ग्रेट मासी, यू आर ग्रेट। मेरी पसंद अभी तक तुम्हें मालूम है? मैं तेरे जैसे निर्मोही थोड़ी हूँ। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, आराम कर। मौसी यहाँ आराम ही आराम है, शहर की घुटन से निकला हूँ, जरा चक्कर मार के आता हूँ। और सुनो, जैसे ही वापस आओ मुझे गर्मा गर्म खाना मिले। हाँ जी, ये कौन थे? ये तो मेरा बीरू। देखा ना कैसा हुकुम चला जाए, जैसे कि मैं इसकी माँ हूँ। आ गया? यही है ना तेरी जल्दी? सुनो, वो मंदिर है ना, शिव मंदिर। हाँ। वहाँ मैंने शिव वंदना सुनी स्त्रोत के रूप में। सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ नहीं, एक ऐसे सुख के कैसे आनंद का अनुभव किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ। सदानंद भैया और उनकी बेटी का गाना सुना होगा। सदानंद भैया? हाँ, पहले कहीं शहर में स्कूल मास्टर थे, 4 साल से यहाँ बस गए हैं। ऐसे संत महात्मा बहुत ही कम देखे हैं। मैं तो ये सब जानती नहीं, लेकिन लोग कहते हैं शास्त्रीय संगीत में महापंडित है वो, और बेटी को भी संगीत में अपनी जैसे बना रखा है। कल चलना, मैं तुझे उनसे मिला लाऊंगी। कल? कल सुबह तो मैं जा रहा हूँ मौसी। कल ही? हाँ। इतनी जल्दी जाना तो आए क्यों? क्या करूँ मौसी, इतना काम है वहाँ शहर में। 8 साल के बाद आया है एक दिन के लिए। मौसी मर गई तेरी मौसी। पर जा खा रही हो? चूल्हे में खाना सब ठंडा हो गया। Thank you.
मौसी बहुत देर हो रही है। तुझे देख भी सकूंगी या नहीं? क्यों मेरा मन खराब करे? और मेरा मन कभी तो भूले से याद कर लिया कर। और कोई दुनिया में है मेरा तेरे से बात? ओहो मौसी, मैं फिर आऊंगा और बहुत दिन रह के जाऊंगा। सच कहता है? हाँ सच। रख मेरे सर पे हाथ। ठीक है। अच्छा मौसी मैं चलूं, प्लेन मिस हो जाएगा। देख बेटा रास्ते में मंदिर है ना, वहां माथा देखते जाना। जी है ना सदानंद जी की बेटी? आपको कैसे मालूम? कल शाम को आपका और आपके पिताजी का स्तोत्र पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। मौसी से पूछा तो उन्होंने आप लोगों का नाम बताया। आपकी मौसी यहाँ रहती है? हाँ, वो जो बूढ़ा बरगद का पेड़ है ना, उसी के पास। वो तो बड़ी माँ का घर है।
बड़ी माँ? दुर्गा मौसी को आप बड़ी माँ कहती हैं? हाँ। आप सुबीर जी है ना? जी। बड़ी माँ दिन रात आपकी बातें करती रहती हैं, और जब भी विविध भारती पे आपका गाना आता है ना, रेडियो के सामने समाधि लगाकर बैठ जाती है। मैंने भी बड़ी माँ के साथ बैठकर आपका गाना सुना, बहुत अच्छा गाते हैं आप। लेकिन सभी गाने नहीं, कुछ गाने तो हा हा ही ही, चीखना चिल्लाना। अच्छा ये बताइए, आपने मेरा कौन सा गाना सुना? इतना मिला रे मन का। वो किस क्लास में आता है, अच्छे या हा हा ही ही? अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपके? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, आपने ठीक ही कहा, मुझे तो खुद अपने बहुत से गाने पसंद नहीं। फिर गाते क्यों हैं? क्या करूं, पब्लिक को ऐसे ही गाने पसंद, और फिर पब्लिक ठहरी जनता जनार्दन। आप लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं? तो फिर किसे खुश करने के लिए गाऊं? खुद को। पिताजी कहते हैं जब गीत स्वयं के लिए गाया जाता है तो संगीत हो जाता है। ओ, तभी आपका गाना इतना मीठा लगा। मर गया। क्या हुआ? गाना और बातों में लगाकर आखिर आपने मेरा प्लेन छुड़ा ही दिया। मैं आपको गाना थोड़ी सुना रही थी, और बातें करने तो आप ही आए थे। फिर भी अगर मेरा प्लेन छूट गया तो आप जिम्मेवार होंगे। हाँ, कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। जानती हूँ, बिरू चला गया इसलिए खाना नहीं खा रहे। मुझे परेशान मत कर, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बिरू। हाँ मौसी, जाते जाते ख्याल आया तुम रो रही होगी इसलिए रुक गया, ठीक है ना? कुछ दिन रहेगा ना? सिर्फ आज। खैर, कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, मुझे अचानक भूख लगी, और फिर सदानंद भैया के पास चलेंगे। अच्छा मौसी। बापू अभी तक शुरू नहीं किया, देखो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। खाता हूँ बेटी, ये हमारे शास्त्र उपनिषद ज्ञान की खान है, जय बार पढ़ो तय बार नए अर्थ निकलते हैं। ठीक है तुम पढ़ो। अरे तुम पढ़ो ना। अरे क्या कर रहे हो, छोड़। क्या भैया, दिन पे दिन बच्चे होते जा रहे हो। अरे में आदमी बच्चा हो जाता है और बेटी मां का रूप। बैठिए बैठिए। नमस्ते। ये मेरा बेटा बिरू, सुबीर, इसके बारे में मैंने आपको कहा ही था, और ये मेरे धर्म भैया सदानंद। नमस्ते। जी तिरुवत, तुम्हें कौन नहीं जानता, कब आए? जी मैं कल, मेरे बहुत रोकने पर भी आज चला गया। मालूम है क्यों वापस आ गया? विमान में बैठते ही सोचा मौसी रोती होगी, एकाएक पलटी खाई और सामान ववान उतार के विमान से उतर गई। ठीक ही तो किया, मानव के मन में दया धर्म नहीं तो। सच सच बताओ दीदी, तुम सचमुच रोती रही? सिर्फ रोती? मैं जब लौटा ना तो खाना पीना कुछ नहीं, बिस्तर पे मुंह लपेटे पड़ी हुई। ओहो, इसलिए थोड़ी, असल में मेरे सर में दर्द हो रहा। और जब उसे देखा तो दर्द गायब। अरे बीरू, ये उमा है, इसका गाना कल तुमने मंदिर में सुना था। अच्छा, आप गाती हैं? वैसे आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि आप गाती हैं। आपको देख के भी तो नहीं लगता कि आप मौसी के ख्याल से विमान से उतर कर आए। छोड़िए ना, हर बात में आप मौसी को ले आती हैं। मौसी, तुमने कहा नहीं था कि दोपहर की चाय? हाँ, क्यों नहीं। देख बेटा, सदानंद भैया संगीत के सम्राट हैं, मेरी बात मान, कुछ दिन यहाँ रह जा और इनसे कुछ सीख ले। मैं क्या सिखाऊंगा दीदी, ये तो पहले ही साधना कर रहे हैं, शांति और आनंद के मार्ग पे चल रहे हैं। प्रकृति के रोम रोम में संगीत व्याप्त, शब्द में स्पर्श, स्पर्श में रूप, रूप में रस गंध, सृष्टि में सब एक दूसरे में घुला मिला है। वो बात समझ में नहीं आई। क्या? वो जो आपके पिताजी कह रहे थे, रूप में स्पर्श, स्पर्श में शब्द, और ये सब बातें घुली मिली हुई हैं, ये समझ में नहीं आ रही। इसमें ना समझने की क्या बात है? ठहरे ठहरे, कुछ सुन रहे हैं आप?
एक चिड़िया की आवाज। ऐसा नहीं लग रहा है ये आवाज इन फूलों से आ रही है। हेलो राज साहब। हाँ वो सॉरी आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, सुबीर का टेलीग्राम आया है, वो अचानक बीमार पड़ गया। हाँ नहीं नहीं चार पांच दिन में आ जाएगा, आप ऐसा करिए नेक्स्ट मंडे रख लीजिए। अरे आ जाएगा राज साहब आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ अच्छा सुनो, उस दिन जब तुम गाना गा रही थी मैंने देखा तुमने वहाँ पानी डाला, उसके बाद प्रणाम किया, क्यों? वहाँ शिव जी, आपको मालूम है विवाह के लिए वरवधु यही आते हैं, उन्हें किसी पंडित वंडित की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। बहुत जागृत है स्वयं भूपिंडी। मतलब शिव जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। इन सब बातों में तुम विश्वास करती हो? पिताजी कहते हैं विश्वास में ही सब कुछ है, बहस में नहीं। मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। अच्छा कल मैं चला जाऊंगा, दुख नहीं होगा? कल? कल ही चले जाएंगे आप? क्यों? क्यों क्या, काम नहीं करना मुझे? उमा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं चला जाऊंगा तुम्हें दुख नहीं होगा? बड़ी माँ बहुत रोएंगी। मैं बड़ी माँ के बारे में नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, दुख नहीं होगा? क्यों, मेरे जाने से तुम्हें दुख क्यों होगा? मालूम नहीं, सुना सुना सा लगेगा। मुझे भी। शहर में इतनी भीड़, इतना काम, वहां आपको क्यों सुना लगेगा? तुम नहीं जानती हो मैं शहर में इतनी भीड़ इतने काम में अचानक अकेला हो जाता हूँ। क्यों? उमा नहीं ना वहां। ले चाय पी। थैंक यू मौसी। देख तू वहां अकेला पड़ा रहता है, मुझे बड़ी फिक्र रहती है, अब तू ब्याह कर। ब्याह कर लो मैं लड़की से? और नहीं तो क्या, मेरा मन कहता है तू बहुत सुखी होगा। देख मौसी शादी के बाद भी कोई आदमी सुखी रहा है मौसा के सिवा? मैंने कहा ना तेरी बहुत सी बातें तेरे मौसे की जैसी हैं। देख बिरू मैंने लड़की पसंद कर ली है। बाप रे पसंद भी कर ली? हाँ। कौन है वो भाग्यवान? उमा। ओ अब सोचने दे मौसे। अरे पगले ब्याह भी कोई सोचने की बात है, मुझे जाने से पहले जवाब चाहिए और वो भी हाँ में। हाँ हाँ हा? मैंने कहा हाँ। ओफो कमाल है कपाड़िया साहब, आप अभी तक बार के पीछे पड़े हुए? अजी जनाब ये आर्टिस्ट का मकान है, किसी स्मगलर का नहीं। और सुनिए वो बेडरूम का फर्नीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अजी बेड आपने मेरी साइज का बना दिया, सोना उनको है कि मुझको, कम से कम 3 फीट और लंबा होना चाहिए, ये जो टांगे बाहर लटकी रहेंगी है जी, और बाकी फर्नीचर भी एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए जी। भी कुछ नहीं आप ऊपर जाइए और मेजरमेंट लीजिए, मैं सुबीर को सरप्राइज देना चाहता हूँ, जल्दी कीजिए। सॉरी दोस्त। अरे तुम बहुत लेट हो गए। अरे तू कब आया, कैसे आया? अभी अभी आया टैक्सी से। रास्कल तूने मुझे खबर तक नहीं की। अरे यार मैं भी तुझे सरप्राइज देना चाहता था। अबे गधे
आइए आपका परिचय करा दूं। ये है मेरी सरकार यानी मेरे जिगरी दोस्त श्री चंद्रू कृपलानी। नमस्कार। बकबक बहुत करते हैं। और ये है, बता दो कौन है। मिसेस सिन्हा, वो मुजफ्फरपुर के फंक्शन में मिले थे ना आपसे। हाँ, आप कुछ दुबली, कुछ नाटी हो गई हैं। ए, दुबली हो सकती, नाटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जरा गौर से देख, बता कौन है। अरे हाँ, मिस अडवाणी, शिमला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में था, फर्स्ट आया हुआ उन्हें। अबे तू तो चीफ जज था वहां पे, क्यों देखा? कैसे पहचान लिया? किया आयो ताजी शादी करी थी, बंबई के लिए आयो ताजो पति का थे। अरे बाबा पति है जाया है। हाँ उमा कोई है? अबे एक गिलास ठंडा पानी देना। ए चलो देख, पूरा मत मान यार। क्या है कि जिस दिन मेरी शादी तय हुई ना, उसके दूसरे दिन ही मुहूर्त निकल गया। क्या करूं यार, दो महीने तक कोई शुभ दिन ही नहीं था। ये शादी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी भाभी, आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। अरे किसके साथ? अबे तेरे ही साथ यार। ये शादी कोई खेल है? दोस्तों को पता तक नहीं, कुछ खबर तक नहीं? बिल्कुल नहीं भाभी, आपको दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी कराऊंगा, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, धूम धड़ाका करूंगा और ऐसी शानदार पार्टी दूंगा। अरे बाबू, क्या सौभाग्य, राजेश्वरा जी आए। आइए आइए राज साहब, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे। क्यों भाई, तुम सपने में सोचते हो? मैं तो सपने में देखता हूँ। सुनो, मैं क्या इतना बदतमीज नजर आता हूँ कि तुम्हारा नेवता मिलने पर भी नहीं आऊंगा? नहीं नहीं राज साहब, ऐसी बात नहीं है। आप ठहरे क्लासिकल संगीत के देखभाल हो, मैं एक मामूली पॉप सिंगर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा संगीत भी तो सात स्वरों के, यार मेरा मतलब है सात स्वरों के बीच में। आइए आइए। उमा, उमा मेरी धर्म पत्नी और आप हैं ब्रजेश्वर राय जी, यहाँ के क्लासिकल संगीत की दुनिया के पिता समान। जीती रहो बेटी, जीती रहो। वाह, आजकल तो प्रणाम करने का रिवाज ही खत्म हो गया, मगर तुमने मुझे प्रणाम करके जानती हो क्या कर दिया है? श्रद्धा और प्यार से मुझे खरीद लिया बेटा। लेकिन सुबीर, तुमने एक बहुत टेढ़ी बात कही। क्या हो रहा है सर? ये पॉप म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं संगीत का भक्त हूँ, इसलिए गाना हो जाए। अरे राय साहब, ये क्या कह रहे हैं, इतने मेहमान हैं। फिक्र मत करो, यहाँ किसी को एतराज नहीं होगा। सुबीर, ये राय साहब का हुक्म है, तुझे गाना ही होगा। अच्छा भाई, मंजूर है। लेकिन राय साहब एक बात है। वो क्या? आज मेरे साथ उमा भी गाएगी। तू गाती है बेटी? राय साहब बहुत अच्छा गाती हैं। तो दोनों शुरू करो। जी नहीं मैं। देख बेटी, अगर तू नहीं गाएगी तो मैं बगैर खाए पिए यहाँ से चला जाऊंगा। चंद्रू भरा दिया बूढ़े ने, गाना ही पड़ेगा भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनील कुमार की शादी का रिसेप्शन उनके गाने के बगैर कैसे पूरा हो सकता है? सुनील कुमार के साथ आज उनकी पत्नी उमा जी भी गाएंगी। क्यों मुझे गाने के लिए कहा? क्यों, क्या हुआ? सबके सामने। ओ कहानी क्या, मैं क्यों? अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम मेरी तरफ देखो और मैं ऐसे करूंगा। मतलब? इसका मतलब मैंने तुम्हें पप्पी दी। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं सजे।
झुमकारे पाया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों दीर्घायु। बेटी तूने शास्त्रीय संगीत सीखा है, तभी तो इतना रस था गाने में। मुबारक हो। कोई बात नहीं सुधीर, तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। जो जगह उन्होंने ली है उस जगह के लायक मैं नहीं थी। चित्रा ठीक कह रही हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मुझे ठेस तो लगी थी, लगा जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, अचानक अकेली हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी का गाना सुनकर अब मुझे कोई दुख नहीं है, तुम्हारी पत्नी बनने के लायक वही है। आप मुझे नहीं पहचानेंगी, मेरा नाम चित्रा है, मैं आपके पति की दोस्त हूँ। माफ करना, हम लोगों को एक मीटिंग में जाना है, अब हम चलते हैं। मैंने आपकी बात मानी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप बगैर मुंह मीठा के यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा बाबा, ले आओ मिठाई। राय साहब, क्या उमा का गाना आपको सचमुच पसंद आया? बहुत पसंद आया। किसी अच्छे गुरु के पास सीखा होगा? हाँ, अपने पिता से। मैंने तो फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम दोनों एक साथ गाया करेंगे। सुबीर, एक्सक्यूज मी। इतनी बड़ी भूल सुबी ना करे तो अच्छा है। कैसी भूल सर? ये एक साथ गाने की। तुम नहीं समझे, उमा सुबीर से ज्यादा प्रतिभाशाली है, और इतिहास ने सिखाया है कि पुरुष नारी से श्रेष्ठ है, और जब उसकी पत्नी उसे आगे बढ़ जाए तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेगा? उसकी फिक्र मत कीजिए सर, शादी तो हो ही गई है, सारा संगीत रसोई घर में और बच्चे पालने में चला जाएगा। ये तो और भी बुरा होगा। ऐसे सुनने लगा, मेरी उम्र कोई 10-11 वर्ष की होगी। एक दिन रमेश आया, कहने लगा ये ले सिगरेट पी जा। मैं कहा नहीं नहीं सिगरेट विगरेट नहीं पीना। हंसने लगा जोर से हंसने लगा, कहने लगा बुजदिल कहीं का। उसने मुझे बुजदिल का इतना बुरा नहीं लगा मुझे, इतना मुझे हंसी पे बुरा लगा। जोश आ गया एकदम से, इधर ला सिगरेट मैं भी पीता हूँ। मुंह में लगाया, जोर से सूटा मारा, बस खत्म। इतनी बुरी तरह से खांसी आई कि तबीयत हरी हो गई, खांसते खांसते लाल हो गया मुंह मेरा। इतने में क्या हुआ, वो मैथमेटिक्स का टीचर आ गया, खड़ा हो गया। अरे सुनने लगा, हम लोग चुपचाप खड़े, मुंह मेरा लाल एकदम। अब चोर के पांव थोड़े ना होता है, देख लिया उसने। ए सुबीर, इधर आओ। पास किया मैं, मुकुल ऐसे करके सुना पकड़ा के। ये बात है, बगल वाले कमरे में एक बेंत रखिए, लेके आओ। मेरी बदकिस्मती देखो, मार मुझे पड़ने वाली है और मुझे को कह रहा है बेंत लेके आओ। खैर साहब गए बेंत लेके आए, आते ही सार जो उसने रसीब किया है, सड़ाक सड़ाक। बस क्या हुँ? मुझे नहीं सुनना है। क्यों? मिर्गी पड़े ऐसे मास्टर। बहुत लगी थी,
ये इधर भी मारा था। सिंधु तो क्या हुआ? सुबह कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? इतनी रात के? हेलो, मैं राधा हूँ। हरिदास सम्मेलन में मिली थी ना? हाँ हाँ, पहचान लिया। कहिए, आपने सचमुच शादी कर ली है? जी हाँ। बीवी कहाँ है? जी बीवी तो इस समय मायके गई हुई है। आपने शादी क्यों कर ली सुबीर जी? इतने दिलों का तोड़ना अच्छा हुआ क्या? क्या करूँ, मैं तो खुद गलती करके पछता रहा हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ किस तरह अपना गला इस फंदे से निकाला जाए, डिवोर्स कैसे हासिल करें। कौन, किसकी आवाज है ये? जी वो मेरी, मेरा नाम उमा है, सुबीर जी की पत्नी हूँ मैं। hey, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सोने दो। अरे आखिर बात क्या, बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं, मुझे सोने दो, सुबह होने को आई। ओह, अभी अभी तो ठीक थी, एकदम से तीखी मिर्ची की तरह। क्या हुआ? यही होता था ना मुझसे पहले, आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन, उनकी सुनते और खुद की सुना। अरे बाबा, वो जब की बात है, अब नहीं होगा। सच्ची से अब नहीं। मेरी सौगंध? हाँ लेता, लेकिन एक शर्त मेरी भी मानिए। क्या? देखो, हर रोज, ज्यादा नहीं है, 100-200। ओहो, ए, अरे सुनो ना, कम कर देता, 60-70। अरे उमा सुनो, ए ए, उठो। उठो। छोड़िए ना, छोड़िए, छोड़िए ना। अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अरे गाना कितनी सुंदर धुन है, बोल कैसे लगे? मुखड़ा अच्छा हो ना तो बोल अपने आप सुंदर हो जाते। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो बोल कहते हैं। बोल क्या कहते हैं? नहीं मालूम। देखो, कला में जो बात कह दी जाती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो बात जो नहीं कही जाती। ये गाना हमारे भविष्य का गाना है, फूल से फल बनने का गीत। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये जो हम दोनों के प्यार की वजह से जो तीसरा आने वाला है ना, वो नहीं। क्यों नहीं? अरे कोई नहीं देख रहा। बहू रानी,
मंगला जेब देख ले। हाय भैया। अरे मंगला हाथ नीचे कर। आए बाबी। अरे नीचे कर। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो, जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, साथी साथी। विष्णु भैया। हाँ दीदी। याद है आज खाए में का का बनी है? हाँ दीदी, बैगन का भरता, बेसन की रोटी, मोटी मोटी और और का नाम के भूल गया ना। हाँ दीदी, कमल ककड़ी के बड़े। ए, उठो। उठो ना, उठो। हाँ बोल। अरे भाई राव साहब आए हैं। राव साहब? अच्छा अच्छा बैठा लो, मैं भी आता हूँ। अरे विष्णु, राव साहब आए, जरा गरम गरम कॉफी मारे ने। हाँ कड़क कड़क कॉफी। अरे नहीं नहीं चंद्रू जी, आपसे मिलना है काफी। आइए आइए राव साहब। नमस्ते मालिक। बैठी 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 बैठी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहिए नई पिक्चर कब स्टार्ट कर रहे हैं? सब कुछ सेटल हुआ इसलिए तो आपके पास आया हूँ। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है मालिक। हाँ जी कब डेट्स दूँ? बात है रुद्र साहब, सर मैं आपके लिए नहीं आपके पत्नी के लिए आया हूँ। मतलब उमा जी? जी हाँ, बात है चंद्र जी, आपके जो मैं कहानी बना रहा हूँ वो लड़की पे है, गर्ल स्टोरी। मैंने टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर फिक्स किया, वो इसी कंडीशन पे एग्री हुआ है कि गाने उमा जी का। अब सब आपके हाथ में है। नहीं राव साहब, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब उन पे। वो अकेले कभी नहीं गाते, गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझाइए ना। देखिए राव साहब, समझ का ताल्लुक दिमाग से होता है। मतलब? मतलब ये कि ये सब दिल की बातें हैं। उमा जी ने एक तरह का प्रण ले रखा है कि वो अकेले कभी नहीं गाएंगी। नहीं, नहीं, आप घबराइए मत राव साहब, उमा गाएगी। नहीं,
जाऊंगी कहीं नहीं। सुनो, बताओ क्यों नहीं गाओगी? मैं अकेले नहीं गाऊंगी। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था हम एक साथ गाएंगे, एक साथ रहेंगे। कभी कभी तो तुम उमा नहीं बिल्कुल दादी माँ जैसी बातें करती हो। इसका ये मतलब है सोलो गाना तो मैं कभी गा ही नहीं सकता? आप गाइए, मैं नहीं गाऊंगी। फिर वही बात, अरे भाई तुम्हारे मेरे बीच में कोई फर्क है क्या? शादी के बाद हम दोनों एक नहीं हो गए? देखो, तुम्हारे गाने का मतलब है मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे गाने का मतलब है तुम गाना गा रही हो। ऑटोग्राफ प्लीज। पेन ये लीजिए। तुम्हारा नाम? आशा। आशा, अरे उमा देवी आ गई, उमा देवी आ गई। उठो, देखो चंदू भैया कब से आके बैठे। उठो ना, उठो।
चंद्रू आ गया? हाँ। चाय वहीं भेज देना। क्यों रे चंद्रू, मुसीबत टाली? कौन, इनकम टैक्स वाली? हाँ। भाई रिटर्न्स तो फाइल कर दिए हैं, दो चार सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे यार। क्यों? वो कहते हैं कि पिछले साल की रकम इस साल में डालें। अरे ये कैसे सकता है, ये तो एकदम सफेद झूठ है। भाई ये काला बाजार है, इसमें सफेद झूठ ही चलता है। मुबारक हो भाभी, छपा के थे तुम्हारे चार गाने बिनाका में आ गए। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद कम से कम एक बिनाका स्माइली दे दो। चंदू भैया, आज से मैं गाना नहीं गाऊंगी। क्या मतलब? मतलब सीधा है, आज से गाना वाना बंद। और जो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए हैं उनका क्या होगा? कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया। किन औरतों वाली बात? अरे भाई, जिनकी रिकॉर्डिंग तय कर रखी है उन उल्लू के पट्टों का क्या होगा? हाँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, जूते मुझ पे पड़े, कुछ बुरा सा नहीं लगेगा। भाभी समझती है, जूते शायद हलवा होते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, जो काम लिया है उसे पूरा करने के बाद फिर मैं नहीं गाऊंगी। झगड़ा तो नहीं किया तूने? सौगंध खा मेरी। हाँ, मेरी तो झूठी सौगंध खाएगा, मेरी मत खा। सात सुरों की सौगंध खा, मेरा मतलब साढ़े तीन सुरों की। ओह, घास खा के तो नहीं आया तू? मैं भला उससे क्यों झगड़ा करने लग गया? इसका मतलब है भाभी की तबीयत खराब है। इतनी नाजुक कोमल सी लड़की, हम भी गधे हैं, आते ही इतना बोझ ला दिया उसके सिर। कहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं रिहर्सल चल रही है, कहीं अवार्ड चल रहा है, कहीं फंक्शन चल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब बंद कर दूंगा, कम से कम दो महीने के लिए। बिल्कुल बंद। हाँ यार। हाँ जी, हेलो, कौन? अरे भाई हीरा नंदानी, क्या आयो मजे में? हाँ, सुबीर कुमार बेटो आए थे, पासे में ही आए। नमस्ते बेचैव। हाँ, सांजी भी अच्छा, बाबा नमस्ते, भैरसा नमस्ते। हाँ, प्रोग्राम करी था? नहीं नहीं, टाल दे यार, मैं नहीं गाऊंगा। तेरे लिए नहीं यार, भाभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ भाई रणदानी, हाँ गल बुद्धो, आज कल गायन घट करे चले होते ही हैं, रेट भी बदी के चार्ज करे हैं, 2000 का 5000 फ्रॉम, हाँ हाँ स्ट्रेट फ्रॉम 2000 to 5000 रुपीस ना साई ना, बिल्कुल ना एक को पाई घट कोनो करना, मैंने जी दाढ़ी पक किया। हाँ हाँ, 5000 1.5 लाख तैयार हो? You are ready to pay 5000 rupees? ठीक है नहीं? कमाल हो गया यार, ये हीरा नंदानी तो बिल्कुल हीरा निकला। टालने के लिए 2000 से 5000 रुपए बोले, उस पे भी तैयार, यानी तेरे से भी 1000 रुपया ज्यादा देने को तैयार है। क्या बुरा है, पैसा तो एक ही घर में रहेगा ना। बाप रे, लगता खत लिखने के सिवा हमारे देश के लोगों को और कोई काम ही नहीं। या तो बड़बड़ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, या फिर ये चिट्ठियां लिखते रहेंगे। क्या बड़बड़ कर रहे? अरे यही हाल रहा तो मैं टर टर करने लगूंगा। बोर कर दिया भाभी ने यार, ये फैन मेल है, मैन फेल। कौन जवाब देगा इतने खतों का? मेरा बाप। ऊपर से डेट्स का बंदोबस्त, रिहर्सल की झकझक, रिकॉर्डिंग का झगड़ा। एक काम कर, अपने लिए एक सेक्रेटरी और रख। हाँ यार, दो स्टारों के बीच में मैं भी साला एक स्टार सेक्रेटरी हो गया। क्यों? मेरा काम कोई और देख लेगा, तू सिर्फ उमा का काम देख। देख बे, मैं तेरा दोस्त हूँ, बीवी नहीं। हाँ, मेरा मतलब है दोस्त भी आखिर इंसान ही होता है। नहीं, मैं देख बीरू, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना इसका फैसला करने वाला तू नहीं, मैं, समझे? मैं जा रहा हूं, भाभी के साथ रिहर्सल पे जाना है, दोपहर में तेरी भी रिकॉर्डिंग है, अपने आप पहुंच जाना, भूलना नहीं, बाद में मैं भी आ जाऊंगा। हेलो, ये चंद्रू तो नहीं है? मैं सुबीर। भैया वो तो ठीक है, लेकिन आजकल मैंने अपना रेट बढ़ा दिया है, 6000। अब ज्यादा है तो ज्यादा ही सही।
देखिए इसमें चंद्रू क्या कर सकता है राव साहब, गाना मुझको गाना है, चंद्रू को नहीं। जैसे आपकी मर्जी। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया, रे आए है तेरी बिंदिया रे। कब फोन किया था? पहले। अच्छा चलते चलते एक दोराहे पे आ पहुंचा था, समझ में नहीं आया इधर जाओ या उधर, अचानक आपको दीदी देखा यहाँ बैठा। तो भटक क्या निकले, चलो अंदर आओ। माया हेलो, नहीं साहब कब के गए वो तो? स्टॉप इट चित्रा, प्लीज बंद करो इसे। फिर वही आवाज, तंग आ गया हूं सुनते सुनते, अब तो दूसरे भी बोर हो गए। क्या हुआ सुबीर? उमा को गाते सुना? हाँ सुना, लाखों में एक है। अच्छा गाती ना? बहुत अच्छा। कैसी हैं उमा जी? बहुत अच्छी। नहीं चंद्र भैया, मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ गए होंगे। देखो सुबीर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्ती के सिवा मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, मुझे बताओ प्लीज। कुछ नहीं चित्रा, कुछ नहीं, सिर्फ एक बात समझ में आती है, पहले मैं अकेला था और अब बिल्कुल अकेला। अकेले तो हम सभी हैं सुबीर। हाँ चित्रा, हम सब अकेले हैं, हम सब अकेले। ये अकेलापन, ये तन्हाई हम खुद पैदा कर लेते हैं, छोटे छोटे अभिमान, छोटे छोटे अहम। अब तो मुझे अकेलापन प्यारा लगता है। प्यारा? हाँ, तन्हाई में मैं महसूस करती हूँ जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चित्रा, कभी ऐसा नहीं लगता कि लाइफ इज स्ट्रेंज? लाइफ और मत पियो, जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन सुबीर जो कुछ भी हुआ है उसे बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त? तुम तो देवदास की चंद्रमुखी की तरह बातें कर रही हो चित्रा, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो इसलिए पीता हूं कि होश में ना रहूं। सलाम सर। सलाम, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चित्रा जी ने कहा है सुबीर साहब की गाड़ी कल सुबह आ जाएगी। अच्छा सुबीर, ए सुबीर।
विष्णु जा यहां से। कल रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए शराब पीकर बेहोश होना पड़ा, वो भी चित्रा के घर में। एकदम आसमान के तारे तोड़ने लग गए। कौन बेवकूफ का बच्चा तुझे एकाएक 6,000 रुपए देगा? 6,000 लो या 10,000, दिस इज माई बिजनेस, अंडरस्टैंड? इसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कौन सी बात खाई जा रही है तुझे। किताबों में पढ़ लिया ना, मर्द का दर्जा औरत से बड़ा होता, बस आदमी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होता। चंद्रू तुम हद से बाहर जा रहे हो। कौन सी हद? मैं समझता नहीं क्या? भाभी के 5,000 हो गए, इसलिए तुझे 6,000 चाहिए। बोलो मत, मत भूलो कि ये मेरा घर है। तेरा घर? हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया था, ये तेरा घर है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर। कहीं नहीं मिली। सुनिए क्या हुआ? हेलो, कौन? सुबीर, कैसे हो? जी ठीक हूँ। तुम्हें एक अच्छी खबर दे रहा हूँ, हमारे संगीत उत्सव में तुम्हारी पत्नी उमा को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, यह खबर उमा को दे देना। हेलो सुबीर। हाँ कहिए। हमारा ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो से रिले किया जाएगा, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ, कल तक उमा का एक छोटा सा लाइव स्केच भिजवा दे। ये मिल जाएगा। धन्यवाद। सुनिए चंद्र भैया को क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगता है किसी ने कुछ, आपने तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं। तो फिर क्या हुआ बताइए ना, आप जरूर जानते हैं। कहा ना, मुझे नहीं मालूम। Am I supposed to know everything that happens to everybody in this house? पिया बिना
साहब कहाँ है? साहब तो अभी नहीं आए दीदी। मैं भी आई। मेम साहब, आपसे कोई मिलने आई है। कौन है? मालूम नहीं, पहले कभी देखा नहीं। माफ कीजिए आप। मैं उन्हें लेने आई। आपको कैसे पता चला कि सुबीर यहाँ है? मैं जानती हूँ। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता, मैं उसे भेज देती। आजकल वो कुछ उदास से रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें खुद लेने आई। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, सुबीर खोया खोया सा रहता है। क्यों, आप जानती हैं? माफ कीजिए, इसके बारे में मैं समझ गई। बैठिए, आपसे एक बात पूछूं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने सुबीर को बहकाया है? या नहीं? नहीं चित्रा जी, जो प्यार करता है वो कभी। तुम यहाँ क्यों, यहाँ क्यों आई हो? आपको लेने। क्यों, मैं कोई बच्चा हूँ, खुद नहीं जा सकता? सुबीर, बहुत रात हो चुकी है, अपने घर जाओ। खाना लगवा। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों? मुझे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा क्या? जवाब? मैंने कभी जवाब मांगा है आपसे? इसका जवाब तो दीजिए। चित्रा के घर जाकर मुझे साथ लाने के पीछे क्या है? आप नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा। अच्छा तो समझाइए। समझाओ तो समझ लेंगे क्या? देखो मत, साफ साफ बातें करो, ये पहेलियां छोड़ो। आजकल आप बहुत अकेले से लगते हैं। मैंने तय कर लिया, अब मैं नहीं गाऊंगी। मेरे अकेलेपन के साथ तुम्हारे गाने ना गाने का क्या संबंध? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। तुम्हारी वजह से? तुम समझती हो मैं तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम से जलता हूं? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। ओ, ये सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, समझी? मेरी भी जरूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? मैं नहीं जानता, ये आप जानती हैं। आ! रहो बेटी, जीती रहो। वीरू कहाँ है? वो नहीं आई? तो अकेले आई? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे रो मत बेटी, बताओ।
क्या हुआ क्या? नहीं, वो मैंने ये ठीक नहीं किया। पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है। इसका मतलब है कि झगड़ा करके बिना बताए चलिया है, ये कहाँ की रीत है? आप गुस्सा नहीं कीजिए, मानो उससे भूल हो गई, लेकिन बीरू भी तो बच्चा नहीं। ऐसी हालत में उमा को कुछ कहना? ऐसी हालत? कैसी हालत? आप बहुत जल्दी नाना बनने वाले हैं। हाँ, बीरू को भी ये मालूम है, मैं उसे चिट्ठी लिखूंगी, देखना पढ़ते ही भागा आएगा। अब आप उमा को कुछ मत कहना, जाइए तो जाइए। बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं कल ही लौट जाऊंगी। नहीं, पहला बच्चा मायके में होता है। तू एक काम कर, वीरू को अभी के अभी चिट्ठी लिख दे, सब बता दे, और चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हमेशा खुश रहना चाहिए। चंद्रू भैया प्रणाम, आज से मैं आपकी भाभी नहीं, छोटी बहन। मैंने उन्हें दो दो चिट्ठियां लिखी, लेकिन जवाब न मिला। मैं उन्हें बताए बगैर ही चली आई, इसीलिए शायद वो मुझसे बहुत नाराज हैं। कैसे हैं वो? उन्होंने गाना शुरू किया या नहीं? मैंने ही उनकी जिंदगी से संगीत छीन लिया। अब तो मेरा एक ही सपना है कि उन्हें फिर से गाते हुए देखूं। बड़ी माँ मुझे किसी तरह भी नहीं जाने दे रही हैं, कारण तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? आप जल्दी ही मामा बनने वाले हैं, ये खबर उन्हें भी दे देना। मुझे खुद उन्हें लिखते हुए शर्म आ रही है। भूलिएगा नहीं, उनकी सारी जिम्मेदारी आप ही पर है, ये छोटी बहन की मांग है। इति आपकी छोटी बहन उमा। अरे विष्णु जी सर। कौन देख? हेलो विष्णु। चंद्रू भैया, ये फोन क्यों रख दिया? लगता है जब से मैं गया हूँ इस घर में कोई किसी की सुनता नहीं। चल भाग भाग भाग, अब जल्दी से गरम गरम चाय बना के ला। क्या अभी आए चंद्रू भैया? जरा हाथ हटाइए। हैं? अबे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। कैसा है तू? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मिठाई खिला। मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूं। खबर? क्या? मैं चाचा बनने वाला हूं। चाचा नहीं, मामा। मामा? मामा? अब मामा या मामी ये तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा, मतलब मुन्ना या मुन्नी। हाँ। ये तो माँ कौन बनने वाली? अबे यार तू भी उमा भाभी। सच? तुझे कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे और मुझे देवर से भाई बना लिया। कितना अच्छा होगा, अपने घर में एक छोटा सा प्यारा दुलारा सा बच्चा घूमेगा, छोटा सा बलमा मुरे अंगना में गुल्ली खेले, छोटा सा बलमा मुरे अंगना में गुल्ली खेले। चल अब चलने की तैयारी कर। कहाँ? गांव में। नहीं चंद्रू, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? घर छोड़कर वो गई, उसे यहाँ अपने आप आना होगा। और फिर चिट्ठी मुझे तो नहीं लिखी ना, जिसे लिखी वो जाए। तू भी यार, सॉरी मैं पहले की तरह तुझे गाली देने वाला था। अबे गधा! ओहो, कौन लड़की अपने उसको लिखेगी कि अब वो लड़की नहीं रही है, लड़की से माँ बनने वाली? कमाल है यार, चल चल बैठ मत कर। नहीं चंद्रू, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। चल चल
तुम कौन हो बेटा? मैं माँ का बेटा हूँ। माँ का बेटा? डैडी का क्या नाम है? सुबीर कुमार। और तुम्हारी माँ का नाम? उमा देवी। मुझे मत छुओ। क्यों बेटा? ने मेरी माँ को दुख दिया, मेरी माँ रोते रोते मर गई। नहीं नहीं, ये धूप में क्या बैठी है? चल चल जल्दी तैयार हो जा, अस्पताल में जाना है। बड़ी माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक मिठाई बनाई है, तुम तब तक खाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे ऐसी हालत में दौड़ भाग नहीं करते, कितनी बार कहा। भैया ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी? आइए आइए दीदी, बाजार जा रहा था। अच्छा वो अस्पताल का कार्ड तो देते जाइए। ये रोज रोज अस्पताल की दौड़, कोई गड़बड़ तो नहीं दीदी? नहीं नहीं भैया, पहला बच्चा है ना, छूछा रहना चाहिए। जाइए वो कार्ड लाइए। उमा जल्दी कर बेटी। चंदू भैया। इसे कहते बहन का प्यार, पहले से ही पता चल गया मैं भूखा हूँ। ला 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 ला, ए वाह, जा एक प्लेट और लिया। अरे इसे तो छोड़ती जा ला ना। आप दुर्गा मौसी है ना? प्रणाम। जीते रहो। बताइए मैं कौन हूँ? बीरू के चंद्रू। हा? अरे वाह मौसी, और एक प्रणाम। जीते रहो भैया, ये बीरू के दोस्त चंद्रू। बाबूजी। जीते रहो जीते रहो। बेटा वो सुबीर कैसा है? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। दीदी उमा कहाँ है, और कुछ लाए? अब आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप अपने काम पे जाइए, मैं सब देख लूंगा। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ बेटा। हा? जी बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए मिठाई उठाई लाने है ना? साधु संत है ना, अंतर का सब जान जाते हैं। मौसी मेरे रहने खाने का इंतजाम क्या होगा? रह तो मैं कहीं भी सकता हूँ, लेकिन खाना जरा अच्छा होना चाहिए। मेरी एक बुरी आदत है, तीखा खाने के बाद मीठा चाहिए, मीठे के बाद फिर तीखा, तीखे के बाद फिर मीठा, और मीठे के बाद फिर तीखा। अच्छा अच्छा सब हो जाएगा, लेकिन बता सुबीर क्यों नहीं आया? वो खबर सुनते ही बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार हो गया। मैंने कहा अरे रिकॉर्डिंग का क्या होगा, वो बोला हाड़ में जाए रिकॉर्डिंग। मैंने कहा लोग केस कर देंगे, लाखों रुपए का जुर्माना हो जाएगा। बड़ी मिन्नतें की, पाव पड़ा, तब जाकर माना और मैं चला आया। उमा तू तैयार होके घर पे आ जाना, वहीं से अस्पताल जाएंगे। मैं पार्वती को भेजती हूँ, चंदू का सामान भेज देना। भैया उन्होंने आने से इनकार कर दिया ना? नहीं उमा, मतलब तुम्हें तभी समझ गई थी जब आप जरूरत से ज्यादा बोल के सबका दिल बहला रहे थे। ऐसी बात नहीं उमा, तुम तो जानती हो कितना जिद्दी आदमी मैं। सब जानती हूँ, वो मुझे कभी माफ नहीं करे। उमा बच्चे को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। सब ये कहते हैं बच्चे को आने दो, दुनिया की सारी दौलत मिल जाएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उमा? नहीं नहीं उमा जी ठीक है, लेकिन सदानंद जी मुझे अफसोस है कि मैं बच्चे को नहीं बचा सका। ये मेरी तीसरी और आखिरी चिट्ठी है, मैं उमा की ये हालत और देख नहीं सकती, बिल्कुल पत्थर बन गई है।
मैंने तुम्हें बार बार लिखा है कि यहाँ चले आओ, आने की बात तो छोड़ो, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुमने। अरे दुर्गा मौसी की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया तूने? क्या जवाब दे? जवाब तो एक ही है, अभी का भी उमा के पास चला जा। नहीं चंद्रू, किस मुंह से जाऊं, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा ये सब कुछ सुनने के बाद भी? यार तू इंसान है क्या? है नहीं, वो इंसान नहीं रहा। कोई इंसान ऐसा बर्ताव कर सकता है? अरे मौसी, मर गई तेरी मौसी। मौसी जी अंदर चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए पहले। नहीं चंदू, मैं इस घर का पानी भी नहीं छूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ, मुझे इस पे जितना गर्व था इतनी ही आज मुझे इस पे शर्म आ रही। इंसान इतना भी गिर सकता है? उसे कहो जाए और देखे फूल जैसी लड़की की क्या हालत हो गई है। इसे तो वह का मर जाना अच्छा था। चंद्रू, मैं मंदिर में पूजा करने आई हूँ, भगवान से कहने आई हूँ उमा को अच्छा कर दो या फिर उसे अपने पास बुला दो। टैक्सी बाहर खड़ी है, उसे जरा छोड़ा होगा बेटा। हाँ मौसी जी, चलिए आइए। ऐसे अकेले बैठ के क्या सोचा करती है तू? मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी, बहुत दुख होता। चला आ मेरे साथ, आ आ वहां बैठ। इधर आ बैठ बैठ। याद है तुझे एक बार जौनपुरी राग में धीरा नायका और अधीरा नायका के बारे में बताया था? जरा सुना तो। अरे सुबीर तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जीते रहो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठे बैठे मैं उसे बुलाता हूँ। उमा, 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 सुबीर आ, सुबीर। हाँ हाँ सुबीर, तू उस पर जा के बैठ, मैं मिठाई उठाई लाता हूँ। जा जल्दी कर। कैसे हो? सुनो मेरे बंधु रे। अच्छे हो? सुनो मेरे। हाँ। तुम कैसी हो? ये सूटकेस अंदर ले जा। देख लिया ना अपने आंखों से क्या करके रखा है? यहाँ के सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, अब इसे शहर ले जा और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अग्नि को साक्षी रख के शादी की है तूने, सारी जिम्मेदारी तेरी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती।
नाराज है ना? बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें? मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। यही है अपनी कहानी डॉक्टर भार्गव। बस उसके बाद उमा पत्थर सी हो गई। मुश्किल तो यह है कि ऐसे मरीज अपनी सेहत भी तो नहीं चाहते, आज दवा ली तो कल नहीं। डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिक शॉक से? नहीं नहीं, वो पागल थोड़े ही है, सिर्फ सदमे का शिकार है। उन्हें किसी तरह से जैसे भी हो हंसाना या रुलाना पड़ेगा। बहुत कोशिश की डॉक्टर भार्गव, लेकिन हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखिए। हमें यह भी तो नहीं मालूम वो कब किस बात पे हंसी या रो दे। मुसीबत तो यह है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, जैसे ही हम लोग कुछ कहते हैं वो उठ के चली जाती। वो तो ये सब करेंगी ही, आपने अभी अभी कहा ना कि वो नीचे वाले कमरे में सोती हैं, ऊपर नहीं आना चाहती। बात तो एक तरफ, संगीत भी बर्दाश्त नहीं उन्हें, उसकी वजह साफ है, वो अपनी पुरानी यादों से दूर रहना चाहती, उन्हें भूल जाना चाहती है। उस अतीत को जहां से वो टूटा है हमें बनाना है, बस यही एक रास्ता उन्हें नई जिंदगी देने का। क्या कर रही हो मां? पर तेरे सूटकेस से मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मोजे किसके हैं? मुन्ना के, उमा ने बुने थे उसके लिए, लेकिन हमारी किस्मत ही कहां, भगवान ने उसे पहनने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, नहीं तो अभी वो 4 महीने का होता। हाँ, कुछ ही दिनों में चलने भी लग जाता, उमा की गोद भर जाती और घर का आंगन सजाता। अच्छा उमा, क्या करें इनका? लेना, क्या मीठे में तीखा और तीखे में मीठा, फिल्मों की तरह, रोने में कॉमेडी, कॉमेडी में म्यूजिक। अरे विलायत से लोग आते हैं इसे खाने यहां। मुझसे और नहीं देखा जाता चंद्रू, और नहीं देखा जाता। अरे यार हौसला रख, इतना तो सोच, कई दिनों से वो घर से ही नहीं निकली। शुक्र कर आज वो यहां तक तो आ गई। बेकार है चंद्रू, बेकार है। उमा एक पत्थर का टुकड़ा बनकर रह गई है और इसका कारण मैं हूं। अगर तुम यही समझते हो कि तुमने उसकी जिंदगी तबाह की है तो तुम्हारा ही फर्ज है कि तुम उसे सवार। राय साहब, हम आपके पास इसीलिए तो आए कि आप ही हमें कोई रास्ता बताएं। सुबीर, तुम्हारा और उमा दोनों का एक ही गुण है और वो है संगीत। संगीत तुम दोनों को साथ लाया है, संगीत तुम दोनों का विवाह बंधन, इसलिए तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी संगीत, तुम्हें गाना होगा। सुबीर, नहीं राय साहब, गाना मेरा दुश्मन है, गाने ही की वजह से सब कुछ हुआ। नहीं सुबीर, गाने की वजह से नहीं, न गाने की वजह से,
मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम्हारा गाना छोड़ देना उमा बेटी के लिए कितनी भयंकर बात। हाँ सुबीर, राय साहब ठीक कह रहे हैं। उमा ने चिट्ठी में मुझे यही लिखा था, तेरा न गाना ही उसे खाए जा रहा है, जब तक तू गाएगा नहीं तब तक वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। सुबीर, उमा को अगर अच्छा करना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संगीत को लाना होगा, तुम्हें गाना होगा, कब कहाँ कैसे ये मुझ पे छोड़। आओ आओ बैठो 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 माँ, बैठो चंद्रू। थैंक यू। ले माँ देख। बहनों और भाइयों, हमारे सुर झंकार का रजत जयंती उत्सव आरंभ होता है। पहले तो मैं आपके सहयोग का शुक्रिया अदा करता हूं। आज की सभा का आरंभ हम ऐसे कलाकार से कर रहे हैं जो काफी समय के लिए गुमनामी के अंधेरे में अपने आप चला गया था। उस कलाकार का नाम है सुबीर कुमार। माननीय श्री ब्रजेश्वर राय जी और दोस्तों, आप लोगों ने जो इज्जत और सम्मान मुझे दिया है, पता नहीं मैं उसके योग्य हूं भी या नहीं। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था जो मेरी पत्नी और मैंने मिलकर देखा था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया। चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन बैठ जाइए बैठ जाइए। खामोश, मैंने एक भूल की थी, सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता देकर। सुबीर कुमार का यह गीत सिर्फ सुबीर कुमार का नहीं बल्कि सुबीर कुमार और उनकी पत्नी दोनों का एक सपना था। हमें खुशी है कि उमा देवी यहां मौजूद है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाए और गाए। तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा, क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती? हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा, मैं तेरे पिता समान हूं, मेरा आदेश है। चल चल उठ उठ उठ। तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी,
गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो तेरे मेरे मिलन की ये रैना। तुझे था मैं कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे था मैं कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे।